सबों को ईशु है। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुताय से आशीष दे हुए आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे, भजन संहिता भजन नंबर 91 एक और दो पद। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ डप और मधुर बजने वाली वीणा और सरंगी को ले आओ आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 67। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं।
तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मिक यीशु ख्रीस्त है और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सच एकलौते पुत्र, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है और हम इसे तेरी प्रतिज्ञा पर आसरा करके दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि संतिदाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर कि हम तेरे निर्मल सच्चाई को बिना डर मान ले, उसके कारण आनंद से दुख भी उठाए, मुझ में और तेरे वचन में नित्य ठहरे और दुख ओ सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते रहे। आमीन। आज के लिए हम लोग पहला पाठ वचन सुनेंगे, वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 33 से 39 तक। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊँगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहाँ जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा? या क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते? पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है,
उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बाहर निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ पर आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोसनर कोयर को गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं।
गोसनर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुताय से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने विगत सप्ताह भर के जीवन में, रात्रि भर के जीवन में हम सबों के साथ हो लिया। हर प्रकार की मुसीबत, संकट, विपत्त, शैतान की चंगुल से तूने बचाया है प्रभु जी, और अपने धर्म हाथों से संभाला है। और आज के इस पवित्र दिन को हम देखने पाते हैं, और इस पवित्र दिन में हम प्रभु तेरे निकट आते हैं और तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं। प्रभु, आज हम इस योग्य नहीं थे, परंतु तूने हम सबों को आशीष दी कि हम एक संगति और एक सहभागिता होने पाते हैं और तेरे ही नाम की स्तुति महिमा करने पाते हैं। प्रभु, तूने हमें अगुवाई किया है, हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय जो वचन प्रभु हमारे लिए तूने रखा है, मनन करने का वचन प्रभु, यह वचन हमारे लिए आशीषमय हो। हम इस वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो अपने पवित्र आत्मा से तू भर ले प्रभु, कि हम तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन को समझने वाले होने पाए। हमें सुनने और सुनाने में बहुत तायस से आशीष दे, हमारे मन और हृदय को खोल दे प्रभु, कि हम आज के वचन की गुण भेदों को जानने और समझने वाले होने पाए। प्रभु जी, तो ही इस वचन के माध्यम से हम सबों के साथ बातचीत कर, और प्रभु यह वचन हम सबों के लिए आशीष में हो, और हम प्रभु तेरी उपस्थिति में मनन करने पाए। प्यारे पिता, सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी आदर और महिमा और गौरव प्रभु तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए उपदेश वचन वह हमें मिलता है पत्रस की पहली पत्री अध्याय 4 पद संख्या 7 से लेकर 11 पद तक। परमेश्वर के भले भंडारी, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि यह सुंदर संगति इस घड़ी हमें दिया है, और हम सभी विश्वासी परमेश्वर के निकट आते हैं और धन्यवाद देते हैं। हम लोग आज के वचन को मनन करेंगे, तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर के भले भंडारी। आज जब हम प्रभु के संगति में हैं, तो प्रभु ने हमें एक भले भंडारी के रूप में इस जगत में भेजा है, और उस भंडारी पन हम किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, उसके विषय में प्रभु हमें बताना चाहता है। यीशु मसीह हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए इस जगत में आया, उद्धार और अनंत जीवन को दिया है,
यीशु मसीह अपना पहला काम जो परमेश्वर ने दिया था उसको पूरा किया, अपने क्रूस मृत्यु और बलिदान के द्वारा से आज हम उससे उद्धार और अनंत जीवन को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं फिर आऊँगा, और पत्रस इस बात को यहाँ पर दर्शाता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, अर्थात यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। इसलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए मानो कल प्रभु यीशु आने वाला है और हम सभी को ले जाएगा। क्या हम तैयार हैं प्रभु के संग जाने के लिए? और इसलिए पत्रस हमें कहते हैं सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तुरंत। हम उस घड़ी को नहीं जानते कब अंत होने वाला है, लेकिन वचन कहता है कि तुरंत अंत होने वाला है। हमें शुद्ध मन और आत्म संयम से प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम अधिक प्रभावकारी होकर प्रार्थना कर सकें। इस बात को लिखते समय पत्रस के ध्यान में अवश्य ही वह समय था जब वो यीशु मसीह के साथ गेतसेमानी बारी में प्रार्थना करने के लिए गए थे। वहाँ पर वे असफल हुए। पत्रस परीक्षा में गिर गया और यीशु मसीह को इनकार किया। बाद में उसने पश्चाताप किया और रोया भी। इसलिए पत्रस यहाँ पर कहता है कि संयमी होकर प्रार्थना करें। मेरे फ्रियो, आज हमें एक मन संयमी और आत्म संयम होकर प्रार्थना करना है। जिस तरह से हमारे बीच में परिस्थिति है, आज हम सभी जानते हैं कि हम किस परिस्थिति से जूझकर अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारे अंदर एक भय उत्पन्न होता है, दुख की घड़ी है। हम आए दिन समाचार में पाते हैं एक दुखद घटना को। हर एक दिन न्यूज में हम देखते हैं कि एक दुख की बात को, और ऐसे समय में हमें एक मन एक आत्म संयम होकर हमें प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, इस दुख में ही केवल नहीं परंतु हमें हर घड़ी हर समय हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार हों। जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा, क्या हम उस समय के लिए तैयार रहते हैं? इसलिए वचन कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यह जो अवसर हमें दिया है परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए, और पत्रस बताता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। दो प्रमुख आज्ञाएं हैं। पहला, परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरा लोगों से प्रेम करना। प्रथम और महान आज्ञाएं हैं। हम लोग वचन मार्कुस 12 अध्याय उसका 30 और 31 पद में पाते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा यीशु मसीह हमें दिया है। प्रेम की इन दो सबसे बड़ी आज्ञाओं में दूसरी सभी आज्ञाएं सम्मिलित है। हम एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम के द्वारा संसार को यह दर्शा सकते हैं कि हम
यीशु मसीह के शिष्य और संतान हैं। और आगे पत्रस कहता है कि क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढप देता है, और प्रेम अनेक पापों को ढप देता है। यहाँ पर पत्रस बताना चाहता है कि जब जगत या संसार पाप बुराई शैतान के बंधन से उसके दलदल में फंसा हुआ था, लोगों को पापों से छुटकारा पापों से बचने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे समय में परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम को इस जगत में प्रकट किया, वो भी जैसा तैसा प्रेम नहीं लेकिन वैसा प्रेम। कहता है वचन में, मैं जगत से ऐसा प्रेम जो असीमित है, मैं जगत से ऐसा प्रेम करता हूँ। उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वैसा प्रेम जो असीमित था उसको प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, इस जगत को प्रेम किया जो पापमय जगत था, पाप के दलदल में फंसे हुए थे। ऐसे समय में प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने प्रेम किया जगत से। परमेश्वर पिता के प्रेम के द्वारा आज हमारे पापों का क्षमा हुआ है। उसने अपने एकमात्र बेटा यीशु ख्रीस्त को इस जगत में भेजा और उसके क्रूस मृत्यु और बलिदान के द्वारा से हमारे पापों का छुटकारा हुआ है। शैतान के बंधन से आज हम छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर पिता ने हमारी कमजोरियों और गलतियों को नहीं ढूंढा और अपने प्रेम से सभी लोगों का उद्धार किया है। प्रभु परमेश्वर हमारे पापों को नहीं गिना, हमारे पाप अनगिनत थे, पाप के दलदल हमारी कमजोरियों को नहीं ढूंढा। इसलिए पत्रस कहता है कि प्रेम अनेक पापों को ढप देता है। प्रेम दूसरे लोगों की गलतियों और कमजोरियों को नहीं देखता है। मेरे प्रियो, प्रेम इतना बड़ा है। प्रेम, विश्वास और आशा सबसे बड़ी प्रेम है कहता है। इससे ये तीनों में प्रेम सबसे बड़ा है कहता है वचन। और परमेश्वर का प्रेम को हम देखते हैं। हम तो, परमेश्वर ने हमारे गलतियों और कमजोरियों को नहीं देखा लेकिन आज हम मनुष्य दूसरे की गलतियों को देखते हैं, दूसरे की कमजोरियों को खोजते हैं। हम कौन होते हैं जब परमेश्वर पिता ने हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को, हमारी कमजोरियों को उसने नहीं किया, नहीं देखा, हमारे पापों का हिसाब उसने नहीं लिया और उसने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा। इससे बड़ा प्रमाण और कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर का प्रेम असीम है, अद्भुत है। और इसलिए हम वचन में पाते हैं पहला कोरिन्थ उसका 13:4-5 में कि प्रेम धीरजवान है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम इतना, प्रेम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम अपना बड़ाई नहीं करता और ना फूलता है, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। ये है प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया और बताया है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें भी किसी की कमजोरी और गलतियों को नहीं देखना है। वचन में हम पाते हैं
कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन शायद आज हम वचन को सही रूप से नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझ पाते। हम उल्टा चलते हैं कि हम पाप से नहीं लेकिन पापी से घृणा करते हैं। मेरे प्रियो, जो पाप में है तो हमें उसे सही मार्ग बताना है, सही दिशा में उसको अगुवाई करना है। प्रेम केवल हमारे भाई बहनों के पाप को नहीं ढपता बल्कि वह हमारे खुद के पापों को भी ढपता है, क्योंकि जिस सीमा तक हम प्रेम में अपने भाई बहनों के पापों को क्षमा करते हैं उसी सीमा तक हमारे पापों को ढपता और क्षमा करता है। यीशु ने हमें सिखाया है कि एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। और आगे वचन कहता है कि बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। मसीही लोगों को अतिथि सत्कार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अन्य विश्वासियों का भी अतिथि सत्कार करना है बिना कुड़कुड़ाए। हमें एक दूसरे की सहायता और मदद करना है, जो आवश्यकतामंद है उसकी सहायता करना है, और जो आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है उस आशीष को हमें दूसरों को बांटना है। और हम जितना अधिक एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे को हम अगुवाई करते हैं, बताते हैं, उतना ही अधिक परमेश्वर हमें आशीष देता है। दूसरा कोरिंथ 9 अध्याय उसका 6 और 8 पद में हम पाते हैं कि प्रभु कैसे हमें आशीष देता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम दूसरों का अतिथि सत्कार करते हैं तब हम स्वयं यीशु मसीह का अतिथि सत्कार करते हैं। हम लोग वचन में पाएंगे मत्ती 25 अध्याय उसका 35 से 40 पद में वचन क्या कहता है। वचन कहता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देगा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा था और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया है। या इस तरह से हम प्रभु यीशु का अतिथि सत्कार करते हैं। अगर हम इन छोटे से छोटे लोगों की हम सेवा करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, तो हम उसमें हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। प्रत्येक मसीही को परमेश्वर की ओर से विभिन्न प्रकार के वरदान मिले हैं, और ये वरदान स्वाभाविक और आत्मिक दोनों हो सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर वचन कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। भले भंडारी, वो भी अनुग्रह के भले भंडारी के समान। आज मेरे प्रियो, हम किस प्रकार के भंडारी कर रहे हैं, हम किस प्रकार का भंडारीपन कर रहे हैं? यहाँ पर दो प्रकार की बातों को पत्रस बताता है, स्वाभाविक और आत्मिक। हम लोग वचन में देखेंगे तो रोमी 12 अध्याय उसका 6
से लेकर 8 पद में वचन कहता है कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो उसको भविष्यवाणी, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। ये हमारा स्वाभाविक है। एक भले भंडारीपन का एक ये चिन्ह है जो पौलुस हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर हम सबों को जो वरदान दिया है उसको हमें बांटना है, उसको हमें लोगों को देना है। और हम लोग दूसरा जो आत्मिक वरदान जो हमें मिला है, हम उसको पहला कोरिंथ उसका 12 अध्याय उसका 4 से 11 पद में हम पाते हैं कि आत्मिक वरदान हमें कौन सा है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी गई है। कहता है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ये जो आत्मिक वरदान हमें मिला है, स्वाभाविक आत्मिक हमें मिला है, उसे हमें बांटना है। हम सबों को प्रभु ने अलग अलग वरदान दिया है, इसलिए हमें जो भी वरदान दिया गया है उसे हमें एक रक्षक और रखवाले के रूप में ग्रहण करना है। हमें दूसरों के लिए उपयोग करना है। प्रत्येक वरदान कलीसिया के सदस्यों की सामान्य भलाई के लिए प्रदान किया गया है। मेरे प्रियो, कोई मसीही यह नहीं कह सकता कि मुझे कोई भी वरदान नहीं मिला है। प्रत्येक मसीही को परमेश्वर ने कम से कम एक वरदान दिया है। परमेश्वर उसे उस वरदान का उपयोग करने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान किया है। यदि हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए प्रदान किए गए वरदानों को उपयोग नहीं करते हैं तो वह हमें उसके लिए दंड देगा। और हम वचन में पाते हैं मत्ती 25 अध्याय उसका 24 उसका 14 से 30 पद में हम लोग पाते हैं कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तोड़ों का दृष्टांत बताया है। एक को एक तोड़ा, दूसरे को 5 तोड़ा और तीसरे को 10 तोड़ा दिया, और जिसको 10 तोड़ा मिला वह और 10 कमा के अपने स्वामी को दिया। वैसे ही 5 तोड़ा जिसको मिला था वह 5 और कमा के दिया। परंतु जो 1 तोड़ा दिया था वह 1 तोड़ा ही उसको दिया। और इसलिए उसका स्वामी कहता है
क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाए और उसके पास बहुत हो जाए, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाए। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधियारे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये दंड हमें दिया है जो परमेश्वर ने आज हम सबों को विभिन्न प्रकार की वरदान दिया है। जिसको सेवा करने की तो वे सेवा करें, जिसको दान देने की तो वे दान करें, जिसको उपदेश देने का तो उपदेश करें, अगुवाई करने का तो वो अगुवाई करें। इस तरह से अन्य प्रकार की वरदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और इसलिए आज हमें जो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है, हमें इस दंड से हम एक अच्छे भंडारी बने, भला भंडारी बने, जैसा उस एक तोड़ा जिसको मिला था उसने एक भी काम नहीं किया और उसको उसने अंधियारे में डाल दिया, वहाँ जहाँ रोना और दांत पीसना हुआ। इसलिए पत्रस यहाँ पर दो प्रकार की मसीही सेवकाई का उल्लेख करता है। पहला है परमेश्वर का वचन प्रचार करना या उपदेश करना, दूसरी सेवा करने की सेवकाई। पहले प्रकार की सेवकाई प्रमुख रूप से हम लोग पादरी, प्रचारक, पास्टर लोगों के द्वारा से की जाती है, जो लोग परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं और प्रचार करते हैं। उन्हें उस कार्य को इस तरह करना चाहिए मानो स्वयं परमेश्वर कह रहा है, उन्हें परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। और सभी मसीही लोगों को दूसरी प्रकार की सेवकाई में भाग लेना चाहिए, जो दूसरों की सेवा और मदद करने की सेवकाई है। परमेश्वर सुविधा और सामर्थ प्रदान करेगा, प्रत्येक आवश्यक वस्तु को प्रदान करेगा ताकि सेवकाई को किया जा सके। यदि पैसे की ज़रूरत है तो परमेश्वर वह भी देगा, लेकिन हम हर समय परमेश्वर पर ही डिपेंड नहीं रहना है, परंतु हमें अपनी सारी योग्यता, अपनी सारी शक्ति, अपना समय, अपना धन परमेश्वर की सेवकाई में उपयोग करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है, हम एक भले भंडारी के समान कार्य कर रहे हैं। इस संसार में हमारा परिश्रम और प्रयास सब कुछ है, परंतु हमारा अंतिम लक्ष्य परमेश्वर की महिमा प्रदान करना है। और ये सब जो परमेश्वर के भले भंडारी हैं उनको ये वरदान जो दिया है, ये सारी द्वितीय आगमन से पहले हमें हर एक काम जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है उस कामों को करना है। और हम एक भले भंडारी के समान कार्य करके जब प्रभु द्वितीय आगमन के लिए आएगा तो हम उसके साथ खड़ा हो और उसके साथ बड़ी आनंद के साथ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु ने हम सबों को अलग अलग वरदान दिया है, तो उस वरदान को हमें उपयोग करना है। और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा जो सहायता करता है, यीशु मसीह ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है तभी हम उस वरदानों को जो प्रभु ने हमें विभिन्न वरदान से परिपूर्ण किया है, उस वरदान को हम अनुग्रह के साथ भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे।
हे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए। आज प्रभु तूने हम सबों को विभिन्न प्रकार के वरदानों से भरपूर किया है प्रभु जी। आज हम तेरे भले भंडारी हैं प्रभु। आज हमें अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दे प्रभु कि हम अपने वरदानों को पहचाने पाए कि प्रभु हमें किन वरदान को दिया है ताकि हम उस वरदान को कलीसिया की सेवा के लिए करने पाए, लोगों की सेवा करने के लिए उपयोग करने पाए और उससे प्रभु हम एक भले भंडारी बनने पाए प्रभु जी। ऐसा तो सामर्थ्य और शक्ति हम सबों को प्रदान कर प्रभु हम एक एक अपने वरदानों को पहचानने पाए। और ये सभी बातें प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा से होगा प्रभु। आज के वचन के द्वारा हम सबों को बहुताय से आशीष दे प्रभु जी। सचमुच अगुवाई कर, वचन ही हमारा मार्गदर्शन है, अगुवाई करने वाला है और सही मार्ग पर ले चलने वाला है। इसलिए प्रभु तू ही हम सबों को ऐसा आशीष दे। आज के वचन की संगति में जितने लोग नहीं आ पाए हैं उन सबों को भी प्रभु आने वाले समय में उनके मन और हृदय को तैयार कर कि वे प्रभु तेरी ओर आने पाए और तुझे धन्यवाद देने पाए, तेरे वचन के साथ जुड़े रहने वाले होने पाए। फिर से प्रभु हम सबों को एक एक को प्रभु अपने आशीष से, अपने वचन के आशीष से आशीषित कर और यह वचन हमारे जीवन में आत्मिक लौकिक हर प्रकार से प्रभु आशीषित होने पाए। सारी आदर और महिमा और गौरव प्रभु तुझे देते हैं और यह दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे, आमीन। हम लोग मंडली समाचार सुनेंगे। शोक समाचार, नोएडा के रोशन कुजूर के माता ज्योति कुजूर को 8/5/2021 को और उसका भतीजा आर्थर कुजूर को 13/5/2021 को परमेश्वर पिता ने बीमारी के द्वारा इन दोनों को सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। हमारे बीच में विभिन्न लोग बीमार हैं तो हम उनके चंगाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम इन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। शोकित परिवार के लिए वचन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्व ज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की सुंदर संगति के लिए जो तूने दिया है। और प्रभु हम इस समय जानते हैं कि पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है प्रभु, हम एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख प्रभु जी। तू ही हमारा शरण स्थान और गढ़ है प्रभु, इसलिए हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु शोकित परिवार के लिए, रोशन कुजोर के परिवार के लिए, उनके परिवार से तूने उनके माता और भतीजा को प्रभु अपने पास सनातन विश्राम के लिए बुला लिया। प्यारे पिता आज वह परिवार शोकित है, दुखित है, लेकिन तेरा वचन हमें अद्भुत रीति से शांति देता है कि तू ही पुनरुत्थान और जीवन है और जो कोई उस पर विश्वास करता है और मर भी जाएगा तो भी जिएगा। यही विश्वास है प्रभु कि तू जैसा जीवित है वैसे हम भी जिएंगे। इसलिए प्रभु आज शोकित परिवार को अपनी वचन के द्वारा से शांति दे।
प्रभु तू तो अद्भुत रीति से अपना शांति देने वाला परमेश्वर पिता है, और इसलिए तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, परंतु मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ। प्यारे पिता, तू ही उन्हें अपनी शांति को उस घर में प्रकट कर, उनकी हर एक दुख को प्रभु तू दूर कर, और उनके परिवार के सदस्य के चले जाने से जो भी उनके परिवार में खालीपन है, प्रभु तू उस खालीपन को दूर कर ले, और प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दे कि प्रभु सचमुच वे यही आशा और विश्वास करने पाए कि हम अंतिम दिन फिर से अपने प्रियजनों से मिलेंगे। आज वे प्रियजन खोए नहीं हैं, परंतु हमसे पहले मसीह में सो गए हैं। और प्यारे पिता, इसलिए इस शोकित परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। एक एक के साथ हो प्रभु, एक एक की तू रक्षा और रखवाली कर, और प्रभु तू ही उन्हें संभाल और तू उनकी रक्षा और रखवाली कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे मंडली में विभिन्न प्रकार विभिन्न लोग बीमार हैं प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक को तेरे चरणों तले लाते हैं प्रभु, एक एक को तू चंगाई प्रदान कर, अपने छेदे हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर कि वे समय की पूर्णता में चंगाई को पाकर प्रभु तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं सुप्रिया के लिए प्रभु, जो इस समय वो प्यारे पिता दुख में है, तेरे पास लाते हैं प्रभु, तो अपनी छेद हाथ को बढ़ा ले, छू ले प्रभु जी उनके शरीर में जितने भी प्यारे पिता कष्ट देने वाली, तकलीफ देने वाली प्रभु दुख है, हर एक दुखों को हारने वाला प्रभु यीशु मसीह तू है। इसलिए प्रभु तू उन्हें चंगाईपन का जीवन दे, उन्हें अपनी आशीष को प्रदान कर प्रभु कि वे प्रभु चंगाई को प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। प्यारे पिता, और भी जितने लोग बीमार हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, हर एक जन के लिए प्रभु दुआ करते हैं, तो एक एक को संभाल और सुरक्षित रख, और प्यारे पिता हर एक जन के साथ हो ले कि हम इस घड़ी में प्रभु तुझ पर विश्वास करके अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। सारी आदर महिमा गौरव तुझको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग इस समय तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 190, और हम इस समय मुट्ठीदान जमा करेंगे। Oh,
आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनके अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चाहें से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय और प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बारी और हरेक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हे प्रभु, हम तेरे चरणों तले आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस समय हम जो भी प्रभु दान एकत्र किए हैं, एक एक दानों को प्रभु जी आशीष कर। जिन हाथों ने दिया है उन हाथों को आशीष कर, उनके खत्ते भंडार को हमेशा भरा पूरा रख प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कलीसिया के एक एक परिवार के साथ हो, एक एक सदस्य के साथ हो प्रभु। एक एक को तू संभाल, बुजुर्ग माता पिता, बच्चे, जवान जाति, माता पिता, सबों का तू रक्षक हो प्रभु जी। हमारे मंडली के एक के लोगों के साथ भी हो प्रभु। हमारे दिल्ली पेरिस के अंतर्गत और अनेक मंडलियां हैं, हर एक मंडली को तू संभालने वाला हो, उस मंडली के एक एक परिवार के साथ हो और हर दुख सुख में प्रभु तू उनके साथ हो। अपने हाथों से उनको सुरक्षित रख प्रभु, घेरे में रख और अपने नाम की महिमा उनके जीवन से ले। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु येसु ख्रीस्त द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु ग्राह्य से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। अब त्रिएकीश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे, परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे, आमीन। सुसहाय।